बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है और अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो तो उसकी मोशन को हम किस तरह डिटेल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मोशन को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि वो बॉडी किस तरह से डिस्टेंस को कवर कर रही है, किस तरह से अगर किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना हो या डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उसमें आपने वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ा है। जस्ट लाइक अभी लास्ट लेक्चर जो आपने इलास्टिक कोलाइजन पढ़ा है उसमें भी आपने उसको डिटेल से वन डायमेंशन में स्टडी किया है, लेकिन आपकी बुक का ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें आप इसकी टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मूव कर रहा हो तो उसको डिटेल से हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो इसको डिफाइन हम करते हैं। इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट से फेंकते हैं तो वो जब ग्रेविटी के इफेक्ट में आता है तो उसकी मोशन जो है वो अलॉन्ग एक्स और वाई दोनों के अलॉन्ग आती है, तो उस टाइम में जो उसकी मोशन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल स्पीड दी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जस्ट लाइक फुटबॉल को हम किक करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमने उसको किसी इनिशियल स्पीड vi इनिशियल स्पीड उसको दी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया और वो अर्थ के साथ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना है। सो अब जो ही इनिशियली स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्ट मोशन को तो स्टार्ट में उसकी मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलॉन्ग होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेविटी उस पर डोमिनेट करना शुरू करेगी और वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करना शुरू करेगा। आस्ता आस्ता ये कुछ इस तरह की ट्रैजेक्टरी हमारे पास उस फुटबॉल की बनेगी। सो ये जो पूरा का पूरा पाथ है जो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बनाता है उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। सो दिस वन इज आवर ट्रैजेक्टरी, ये वो पाथ है, ये वो पाथ पे है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट बनाता है। So let's go, let we throw an object with an initial speed vi along x-axis with a particular angle theta from a particular height या particular position से। So शुरू में इसकी motion along x-axis ही थी, लेकिन बाद में जाके जब gravity ने इस पर dominate किया तो आस्ता आस्ता ये y-axis के along भी motion करेगा। तो ये जो हमारा ball है, कोई भी object है, ये x के along भी move कर रहा है और y के along भी move कर रहा है। तो दैट्स मीन ये कुछ x के अलॉन्ग में डिस्टेंस कवर करेगा और y एक्सिस के अलॉन्ग में डिस्टेंस कवर करेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिटेल से पढ़ना है तो फर्स्ट पॉइंट उसमें हमें ये देखना है कि वो किस तरह से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है करते हुए जो ऑब्जेक्ट किस तरह से डिस्टेंस कवर कर रहा है, x के अलॉन्ग भी कर रहा है y के अलॉन्ग भी कर रहा है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास जो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है उसको यूज करते हुए हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, कोई ना कोई डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग भी कवर कर रहा है और कोई ना कोई डिस्टेंस वाई के अलॉन्ग भी कवर कर रहा है। तो हम एक्स के अलॉन्ग अलग से कैलकुलेट करेंगे, वाई के अलॉन्ग अलग से कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड उसको सम अप कर देंगे। सो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है उसके डिस्टेंस को किसी पॉइंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको करने के लिए हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है मोशन। सो जब x के अलॉन्ग हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा एस एक्स। एस एक्स स्टैंड फॉर द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। So, vi के साथ भी vi x आ जाएगा, मतलब initial speed along x axis जो हमने उसको दी है। और उसके बाद हमारे पास a आ जाएगा उसका acceleration। लेकिन इस केस में हम कुछ assumption, हमने जो चीजें उसको rearrange करेंगे, in this case initial speed vi x हमारे पास क्या होगी, vi cos theta, और acceleration हमारा इस केस में जीरो होगा क्योंकि हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो x के लॉन्ग कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। x के अलॉन्ग उसको कोई भी चीज जो कोई भी एक्सेलरेशन उसमें नहीं आ रहा और वो x के अलॉन्ग कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। x के अलॉन्ग उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही अनटिल के वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराए नहीं, तब तक x के अलॉन्ग इसकी कोई भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। सो इसलिए a की वैल्यू जीरो है। जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एस एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा प्लस हाफ इन टू a की जगह आ जाएगा जीरो और ये सारे का सारा फैक्टर हमारा हो जाएगा जीरो।
सो एक्स के अलोंग जो हमारा डिस्टेंस है वो आ जाएगा वी आई कॉस थीटा इंटू टी। ये आ गया हमारे पास एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी तरह वाई के अलोंग भी हम डिस्टेंस जो कवर कर रही है बॉडी हमारी, उसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि अब हमने वाई वाली वैल्यूज ले ली। एस वाई स्टैंड फॉर डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी अलोंग वाई एक्सिस। सो ये वी आई वाई आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में वी आई वाई हमारा क्या है, जीरो है। इनिशियल स्पीड अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने स्टार्ट में दी ही नहीं है, हमने जो भी स्पीड दी थी इनिशियली वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दी थी, इसलिए हमारी इनिशियल स्पीड वाई के अलॉन्ग हमने दी ही नहीं है। तो वी आई वाई हमारा होगा जीरो। और दूसरा ए इज इक्वल टू होगा माइनस जी। यहाँ पे हम ए को रिप्लेस करेंगे माइनस जी से। जी इसलिए क्योंकि बॉडी फ्री फॉल कर रही है और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए जी आ जाएगा। माइनस ये शो कर रहा है कि शुरू शुरू में जब हमने फुटबॉल को किक किया, एक्स के लॉन्ग उसको मूव करवाया, तो उसकी मोशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पे इसका माइनस साइन आ गया। तो जब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी आई वाई की जगह आ जाएगा जीरो और ए की जगह आ जाएगा माइनस जी। ये वाला सारा फैक्टर हो जाएगा जीरो। सो एस वाई हमारा आ जाएगा माइनस जी टी स्केयर। अब अगर हमें देखना हो कि किसी ऑब्जेक्ट ने प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो हम उसका एक्स वाला डिस्टेंस और वाई वाला डिस्टेंस दोनों को एड अप कर देंगे। तो उसको एड अप करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी कैन यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी व्हिच इज एग्जिबिटिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वन। Now the next thing is velocity। जब भी आप मोशन की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जानना हो, तो डिस्टेंस के बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है, वो है उसकी वेलोसिटी। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, तो हमारे पास ये ए बी सी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें देखना हो कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको फाइंड आउट करने का भी तरीका वही है। आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका कोई ना कोई एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का और कोई ना कोई वाई कंपोनेंट होगा। तो x कंपोनेंट को हम सेम इसी तरह अलग फाइंड आउट करेंगे और y कंपोनेंट को अलग से फाइंड आउट करेंगे और एट द एंड उनको सम अप कर देंगे। सो ये करने के लिए हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, विच इज vf इज इक्वल टू vi प्लस a। ओके, सो अगर हमने किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना हो जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल इस फिगर को अगर आप फॉलो करें, तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर खड़े होकर एक्स के लॉन्ग जो है वो उसको फेंका है, किसी 10 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ा होकर आपने किसी स्टोन को बड़ी स्पीड से जो है एक्स के लॉन्ग उसको फेंका है, तो जब आप देखेंगे कि थोड़ी दूर जाके जब उस पर ग्रेविटी डोमिनेट करेगी, तो आस्ता आस्ता वो इस तरह की ट्रेजेक्टरी बनाएगा। और हमने उसको एक्स के लॉन्ग मूव करवाया था, लेकिन वो वाई के लॉन्ग भी आस्ता आस्ता आता जाएगा, और जो जो वो आगे की तरफ जाएगा आप देखेंगे कि उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो कम होता जाएगा, मतलब जो उसकी आगे जाने की स्पीड है वो कम होती जाएगी और नीचे आने की स्पीड जो है उसकी वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम अगर किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज ए बी सी थ्री पॉइंट है हमारे पास, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड क्या होगी, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक इक्वेशन से। वो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे कि हम इस ऑब्जेक्ट की एक्स की कंपोनेंट की स्पीड और वाई कंपोनेंट की स्पीड अलग अलग से फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके नेट जो बॉडी की किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो अगर हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें, तो ये हो जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब हमारे पास वी आई एक्स क्या है, वो इनिशियल स्पीड जो हमने इस पॉइंट पे जो उसकी एक्स के अलोंग होगी वो होगी वी आई कॉस थीटा, और ए एक्स क्या है जीरो। एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जब तक वो ऑब्जेक्ट किसी बॉडी को टकराएगा नहीं, वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जो कि इनिशियली हमने उसको दी थी, तो इसलिए वो कॉन्स्टेंट स्पीड से एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास वी एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई कॉस थीटा प्लस जीरो इंटू टी। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी। उसके बाद वाई कंपोनेंट के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें, तो y कंपोनेंट की इक्वेशन वही है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ साथ y कंपोनेंट आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर y के अलोंग उसकी स्पीड देखनी हो, तो वो होगी v a sin थीटा, और एक्सेलरेशन जो है वो है माइनस g, क्योंकि वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जा रहा है और हमने उसको जो मोशन दी है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी दी है, लेकिन कुछ देर के बाद वो डोमिनेट कर जाएगी, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है।
सो जब ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई टी वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी प्लस इनटू माइनस जी टी, और जब इसको हम प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा सो ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। सो वेक्टर एडिशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उसका अगर हमें नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे लेट्स सपोज ये तीन पॉइंट हैं, तीनों में से किसी पॉइंट पे अगर हम उसकी नेट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम उसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज वी इज इक्वल टू स्केयर रूट उसका एक्स कंपोनेंट का स्केयर और उसके वाई कंपोनेंट का स्केयर। सो इस इक्वेशन से हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी आ जाएगी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है, एंड एट द एंड डायरेक्शन भी हम उस ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आप देखें तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका हम किसी पॉइंट पर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी नेट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन देखनी है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, एंड एट द एंड उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आपने कवर की। ओके सो इसकी डेली रूटीन लाइफ में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मोशन ऑफ फुटबॉल की या बैलिस्टिक मिसाइल की। जब भी कोई मिसाइल किसी पॉइंट पे फायर करना हो तो हमें अगर पता हो कि उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको हमने इनिशियल स्पीड कितनी देनी है। अगर हमारे पास इनिशियल स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम बता सकते हैं कि कितनी देर के बाद या कितना दूर जाकर ये मिसाइल गिरेगा। तो ये जो डिफरेंट आपने डिस्टेंस वेलोसिटी और डायरेक्शन की इक्वेशन जो आपने पढ़ी है इसको यूज़ करते हुए आप फुटबॉल और बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे होते हैं उनके बारे में फ्यूचर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर स्पीड से फायर कर रहे हैं तो वो कितनी देर के बाद या कितना दूर जाके वो गिरेगा। सेम इसी तरह जब भी हमने किसी एरोप्लेन से किसी बॉम्ब को फेंकना हो किसी एक खास टारगेट पे तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि वो उस टारगेट के ऊपर आकर उस बॉम्ब को नहीं फेंकेगा बल्कि उससे एक खास किस्म के डिस्टेंस पे, ये उन्होंने कैलकुलेट किया होता है कि कितने डिस्टेंस पहले अगर वो उसे फेंकेंगे तो वो टारगेट के ऊपर जाके गिरेगा। जब भी फायर बॉम्ब को जो है ड्रॉप किया जाता है तो आप देखेंगे बॉम्ब एक खास किस्म के स्पीड से जो है वो मूव करता है और एक प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी बनाता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो सिर्फ एक्स के लॉन्ग होती है, और वो एक्स के लॉन्ग इसकी स्पीड क्या होगी, वो स्पीड जिस स्पीड से एरोप्लेन मूव कर रहा था जब उसने इसको ड्रॉप किया, तो सेम उसी स्पीड से ये एक्स के लॉन्ग मूव करता रहेगा और विद कांस्टेंट स्पीड, एक्स के लॉन्ग इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन इसका सिर्फ वाई के लॉन्ग होगा जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर डोमिनेट करेगा। एक्स के लॉन्ग इसकी स्पीड तब तक चेंज नहीं होगी जब तक ये जाके किसी चीज़ को कोलाइड नहीं करेगा। इस चीज़ को फर्स्टली ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने, और ये गैलीलियो रिलेटिविटी के नाम से भी जाना जाता है कि एक्स के अलॉन्ग वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और उसने बावजूद इसके कि हमने उसको एरोप्लेन से ड्रॉप कर दिया लेकिन फिर भी वो सेम उसी स्पीड से मूव कर रहा है जो कि एरोप्लेन की स्पीड थी जब उसको ड्रॉप किया गया था, और वो स्पीड तब तक इसकी चेंज नहीं होगी जब तक ये इस टारगेट को जाके टकराएगा नहीं।